हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। गर्मी आ चुकी है और गर्मी का सबसे ज़्यादा असर हमारे स्किन पे पड़ता है। तेज़ धूप और गर्म हवाएं हमारे स्किन को रूखी बेजान बना देती है। सनटैन और सनबर्न से बचने के लिए हम कितने ही महंगे लोशन और मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने जा रहे हैं जो आपकी इन सारी परेशानियों को बड़ी ही आसानी से दूर करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोवेरा स्क्रब और एलोवेरा सीरम का। एलोवेरा स्क्रब हमारे स्किन से सन टैन को दूर करेगा तो एलोवेरा सीरम उसे तरोताज़ा बनाएगा। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं एलोवेरा स्क्रब। इस एलोवेरा स्क्रब को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी चीनी और एलोवेरा जेल। आप चाहें तो ताज़ा एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मार्केट में जो अवेलेबल है उसका भी। हम यहाँ मार्केट में जो अवेलेबल है उस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं अब अपना स्क्रब। एक कटोरी लेते हैं, इसमें एलोवेरा जेल को डालते हैं। अब इसमें चीनी मिलाते हैं। अब इन दोनों को हम अच्छे से आपस में मिला लेते हैं। क्या आपको पता है कि एलोवेरा में फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो गर्मी से होने वाले स्किन प्रॉब्लम को, मुहासे को दूर करता है। साथ ही इसमें विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है जो स्किन से दाग धब्बे को दूर करता है। और खैर, चीनी तो नेचुरल स्क्रबर है जो स्किन से बड़ी ही आसानी से डेड स्किन को निकालती है और स्किन को नरम बनाती है। तो आइए अब अप्लाई करते हैं इस फेस स्क्रब को। अब इस स्क्रब को हम हल्के हाथों से मसाज करते हुए पूरे फेस पे लगाएंगे। इससे हम इसी तरह स्क्रब करते रहेंगे। लगभग 5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही स्क्रब करते हुए लगाएंगे। ये लीजिए, लग गया हमारा स्क्रब। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा ये स्क्रब सूखता है तब तक हम अपना एलोवेरा सीरम बना लेते हैं। तो अब सीरम बनाने के लिए हमें एलोवेरा जेल तो चाहिए ही, इसके साथ गुलाब जल और ये विटामिन ई की कैप्सूल। तो बनाते हैं अब सीरम। कटोरी लेते हैं, इसमें एलोवेरा जेल डालते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला लेते हैं और एक विटामिन ई की कैप्सूल। इसमें ये विटामिन ई का कैप्सूल हमने डाल दिया। अब इन तीनों को हम आपस में अच्छी तरह मिला लेते हैं। ये तीनों आपस में अच्छी तरह मिल गए हैं और जब ये आपस में अच्छी तरह मिल जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, एक क्रीम के जैसे। तो हमारा ये सीरम तैयार हो गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि एलोवेरा जेल में हमने गुलाब जल और विटामिन ई मिलाकर एक सीरम तैयार किया। विटामिन ई चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है और गुलाब जल हमारे चेहरे को रिफ्रेश करता है। तो ये आप चाहें तो इस सीरम को प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं और हर रात को सोने से पहले लगा सकते हैं या फिर जब भी धूप से आएँ तब इसे लगा लें। और अब आप जैसे कि ये देख भी सकते हैं कि मेरा ये एलोवेरा स्क्रब सूख चुका है, तो इसे अब धो लेते हैं ताकि हम इस सीरम को अप्लाई कर सकें। चेहरे को धोने के बाद इसे नरम कपड़े से पोंछ लेते हैं। अब एलोवेरा सीरम को अप्लाई करते हैं। इसे हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर लगाएंगे। इस सीरम को अच्छे से मसाज करते हुए हम पूरे चेहरे पर लगाएंगे। कम से कम 2 मिनट तक इसे ऐसे ही मसाज करते हुए लगाएं ताकि ये जो सीरम है वो अच्छी तरह से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। अब ये सीरम अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है और फ़र्क आप खुद ही देख लीजिए। तो इस गर्मी इस एलोवेरा स्क्रब और सीरम का यूज़ करें और टैनिंग को दूर करें। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही टिप्स के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।